क्या करूं, माँ हूं ना। आप अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? पिंकी बेटा। अरे अनीता आंटी, आप आइए आइए बैठिए। सुबह सुबह कोई काम था आंटी? हाँ बेटा, वो जरा देखो ना फोन को, क्या हो गया, खराब हो गया है शायद। क्या हुआ फोन को? कुछ दिन पहले तक ठीक ही था, लेकिन 5 दिनों से खराब है शायद। किसी को भी कॉल करो तो बात हो जाती है, लेकिन मेरे बेटे के साथ बात नहीं हो पाती। देखो ना बेटा, तुम्हें तो ये सब आता होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ आंटी, मैं देखती हूँ। हाँ बेटा। अच्छा आंटी, आपके बेटे का नंबर किस नाम से सेव है? हाँ बेटा, वो मुन्ना, मुन्ना नाम से होगा। मुन्ना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, जब भी मैं कॉल करती हूँ ऐसा ही कुछ सुनाई देता है, बेटे से बात नहीं हो पाती। हाँ आंटी, आप घबराइए मत, मैं कुछ करती हूँ। हाँ क्या हुआ बेटा, ठीक नहीं होगा क्या? मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया। आंटी वो फोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है शायद, तो मैं अपनी लैपटॉप से कनेक्ट करके देखती हूँ, ठीक है? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा, मैं बस अभी आई। अरे बेटा। हाँ क्या हुआ आंटी? वो बेटा बात क्या है ना, बेटे से बात किए बिना नींद ही नहीं आती। वो ठीक है कि नहीं, टाइम पे खाता है कि नहीं, सोच के परेशान रहती हूँ, क्या करूँ, माँ हूँ ना। हाँ आंटी मैं समझती हूँ, आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं देख के आती हूँ। हाँ बेटा। अपनी माँ के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ मैं अपने फोन से एक बार ट्राई करती हूँ। हेलो। हाँ क्या मेरी बात अनीता आंटी के बेटे राघव से हो रही है? जी। अच्छा वो एक्चुअली यहाँ पे आपकी माँ आई हुई है। आप कौन? जी मेरा नाम पिंकी है। एक बात पूछूं, आप अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने अपनी माँ का नंबर ही ब्लॉक कर दिया, बेटे होकर आप अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, जिसने आपको इस काबिल बनाया, उसी माँ का नंबर आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो? देखिए आज आपके माँ बाप जिंदा है, इसलिए आप उनके कदर नहीं कर रहे हो। जिस दिन वो लोग नहीं रहेंगे ना, तब आपको पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आज आप अच्छा नौकरी करते हो, फॉरेन में रहते हो, वो सब अलग बात है। माँ बाप की अहमियत ना उनको ही पता है, जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपना जॉब, अपना ड्यूटी आप करते रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप भूलो मत आप किसी के बेटे भी हो। आपको पता है आपकी माँ कितनी परेशान रहती है, आपके बारे में सोचती रहती है कि मेरा बेटा खाया कि नहीं, ठीक है कि नहीं, और आप उन्हें ब्लॉक करके आराम से बैठे हो। कैसे बैठे हो आप? सॉरी मैंने बहुत बोल दिया, माफ करना। और हाँ जल्दी से अनब्लॉक करो, आपकी माँ को आपसे बात करनी है। वो बेचारी तो ये भी नहीं जानती कि उनके ही बेटे ने उन्हें ब्लॉक करके रखा है। ठीक है मैं रखती हूँ, बाकी आप समझदार हो। फोन करूँ क्या, लेकिन किस मुँह से फोन करूँगा?
ठीक हो गया? हाँ हाँ आंटी ठीक हो गया, अब बैठो। आपको आपके बेटे से बात करना है? करना। अच्छा ठीक है, मैं लगा के देती हूँ कॉल। ये लीजिए। बेटा फोन बज रहा है। माँ का फोन। हेलो माँ। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? खाना तो टाइम पे खाते हो ना? हाँ मैं अच्छा हूँ माँ। हाँ मैंने खा लिया। कैसी हो आप? मेरे बारे में पूछ रहा है? हाँ हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे माँ इतने दिनों तक आपने फोन क्यों नहीं किया? हाँ बेटा वो फोन कुछ दिनों से खराब था, वो तो शुक्र है पिंकी ने ठीक कर दिया, बहुत प्यारी बच्ची है। तो बात कराओ हम मुझे उससे। क्या बात करना है? लो तुमसे बात करना चाहता है। हेलो बोलो। हेलो। हाँ हेलो पिंकी, कैसी हो? हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आंटी बहुत मिस करती है आपको, कभी आके मिल लो उनसे। हाँ मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ आप आंटी से बात करो। हाँ हाँ बेटा। हाँ हाँ घर पे सब ठीक है, तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे हैं। हाँ